हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अदिश राशियाँ तथा सदिश राशियाँ में अंतर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अदिश राशियाँ तथा सदिश राशियों में अंतर लिखवाने वाला हूँ कि अदिश राशियों और सदिश राशियों में क्या अंतर होता है और आप एग्जाम में अदिश राशियों तथा सदिश राशियों में अंतर किस प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है अदिश राशियां तथा सदिश राशियां में अंतर। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपको यही हेडिंग डालनी है अदिश राशियों तथा सदिश राशियों में अंतर। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सेम इस प्रकार से चार्ट बनाना है जिस प्रकार से आप मेरी इस वीडियो में देख रहे हैं, सेम इस प्रकार से आपको चार्ट बनाना है। और दोस्तों, जब आप इस प्रकार से चार्ट बना लें फिर आपको करना क्या है, आपको दोस्तों एक खाने में तो अदिश राशियां लिखना है और दूसरे खाने में सदिश राशियां लिखना है। एक खाने में अदिश राशियां, दूसरे खाने में सदिश राशियां। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अदिश राशियों में नंबर वन पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है इन राशियों में केवल परिमाण होता है। तो दोस्तों, जो अदिश राशियां होती हैं इनमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है दोस्तों, केवल परिमाण होता है, मतलब दोस्तों वह राशियां जो केवल परिमाण को व्यक्त करती हैं वह राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। अब दोस्तों आपको सदिश राशियों में लिखना है इन राशियों में दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। इन राशियों में दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। तो दोस्तों देखिए, सदिश राशियां उन्हें कहते हैं जो राशि दिशा एवं परिमाण दोनों व्यक्त करती हैं। सदिश राशियां किन्हें कहते हैं, जो राशियां दिशा एवं परिमाण दोनों व्यक्त करती हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे दोस्तों बल, क्या हो गया बल, दोस्तों बल किसे कहते हैं, धक्का या खिंचाव को, मतलब यदि हम किसी वस्तु में धक्का मारते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता, बल कहलाता है। वह हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, बल कहलाता है। इस बात को आप एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे दोस्तों मेरे पास ये वस्तु है, अब मैं इस वस्तु से इस दिशा से बल लगाता हूँ तो ये वस्तु किस दिशा की ओर चलेगी, इस दिशा की ओर चलेगी। तो मतलब जब हम किसी वस्तु में बल लगाएंगे तो उस जब हम बल लगाएंगे तो किसी भी वस्तु में तो वह किसी न किसी दिशा को जाएगी, वस्तु जाएगी ना जाएगी। तो इसका मतलब बल में क्या होता है, बल क्या व्यक्त करता है, दिशा भी व्यक्त करता है। ठीक है, और दोस्तों जब हम किसी वस्तु में बल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ मात्रा में लगाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ परिमाण में लगाएंगे। भाई दोस्तों, मैंने आपको बताया ना परिमाण का अर्थ क्या होता है, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मात्रा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बल में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, मतलब बल ऐसी राशि है जो परिमाण को व्यक्त करती है और दिशा को व्यक्त करती है। तो बल कौन सी राशि होगी हमारी, सदिश राशि होगी। बल कौन सी राशि होगी दोस्तों, सदिश राशि होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अदिश राशियों और सदिश राशियों में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको अदिश राशियों में नंबर टू पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है इनको गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है। तो दोस्तों, जो अदिश राशियां होती हैं इन्हें गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। और दोस्तों आपको सदिश राशियों में लिखना है इनको गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, सदिश राशियों में होता क्या है कि सदिश राशियों को आप गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ या घटा नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, आपको नंबर दो में ये पॉइंट लिखने हैं। अब दोस्तों आपको अदिश राशियों में नंबर तीन पॉइंट डालना है, उसमें आपको लिखना है अदिश राशियों को साधारण अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कार्य को W द्वारा।
तो दोस्तों जो अदिश राशियां होती हैं उन अदिश राशियों को साधारण अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे दोस्तों हम कार्य को किससे व्यक्त करते हैं, W से व्यक्त करते हैं, तो कार्य को हम अंग्रेजी के अक्षरों से व्यक्त कर सकते हैं। कार्य को किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कार्य को W द्वारा व्यक्त किया जाता है तो हम कार्य के स्थान पर W भी लिख देंगे। तो साइंस में समझ जाना आपकी यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, इसमें कार्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी राशियां जिन्हें अंग्रेजी के साधारण अक्षर द्वारा व्यक्त किया जा सके ऐसी राशियों को अदिश राशियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अदिश राशियां। और दोस्तों आपको सदिश राशियों में लिखना है, सदिश राशियों को उनके ऊपर तीर लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे वेग को वी द्वारा। तो दोस्तों देखिए सदिश राशियों में होता क्या है, सदिश राशियों में हम जो भी राशियां होती हैं उन्हें हमें तीर लगाकर व्यक्त करना होता है। जैसा वेग है, वेग को किससे निरूपित करते हैं, वी से निरूपित करते हैं। परंतु वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए वेग के ऊपर आपको तीर लगाना होगा, तीर लगाकर आपको व्यक्त करना होगा, तभी पता चलेगा कि जो वेग है वह एक सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। मतलब दोस्तों होता क्या है कि जो सदिश राशियां होती हैं उन्हें आपको तीर लगाकर व्यक्त करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको सदिश राशियां और अदिश राशियों में केवल यही बातें लिखनी है। यदि आप अदिश राशियां तथा सदिश राशियों में अंतर लिखना चाहते हैं तो आपको यही पॉइंट लिखने हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।